हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है कोटलिन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की। देखिए, सबसे पहले हम एक वेरिएबल्स कोटलिन की फ़ाइल बना लेते हैं। तो SRC में जाएंगे और यहाँ पर कोटलिन की फ़ाइल बना लेंगे। आप इसे कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ इसे हेलो नेम। आप जो चाहें वो हम नेम दे सकते हैं इसे। अब इसके अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेन फंक्शन बनाएंगे। सबसे लिखेंगे फंक्शन मेन और फिर इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अर्ग्स और आर्ग्यूमेंट किस टाइप के होंगे, हमारे एरे टाइप के होंगे, एरे। और वो किस डाटा टाइप में होंगे, स्ट्रिंग टाइप में। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से स्ट्रिंग, उसका लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम अपने किसी भी वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी तो उसके लिखेंगे हम प्रिंट ln और फिर डबल कोटेशन में जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ हेलो CS गीक्स इस तरीके से। तो ये हमारा अब प्रिंट हो जाएगा और इसे रन कर लेते हैं। आप यहाँ पर से रन पे जाके रन रन पे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेलो किटी यहाँ पर से इसे रन कर सकते हैं। हमने इसे रन कर दिया है, कुछ देर में हमारा आउटपुट आ जाएगा कंसोल में हेलो CS गीक्स करके। तो देखिए हेलो CS गीक्स करके यहाँ पर हमारा एक आउटपुट आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बन चुका है आउट नेम से, जिसमें हमारी क्या है हेलो किटी की क्लास है। जिस तरह से जावा में क्लास डॉट क्लास बनती है, उसी तरह से इसमें भी हमारे डॉट क्लास बनती है। अब देखिए, ये तो हम बात होगी कैसे किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू को। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो देखिए, सबसे पहले एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम यहाँ से। तो इसका नाम दे रहा हूँ मैं VARDECL डिक्लेरेशन के लिए, मैंने इसे नेम दे दिया। इस फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे FN फंक्शन VARDECL, हमने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं देते हैं। और वैल्यू देने के दो तरीके हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, एक ये VAR, एक होता है VAL। देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं VAR को। VAR के बाद हम नेम देते हैं, जो भी आप नेम देना चाहें ABCD विजय अजय, जो भी आप नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद आप इसका टाइप बताते हैं। देखिए, टाइप आप बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तब भी कोई जरूर प्रॉब्लम नहीं आएगी। या आपके जो आप इसे असाइन करेंगे वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि यहाँ पर आपने इसने क्या दिया है। ये इंटीजर है, वह क्या कहते हैं, ये फ्लोट वैल्यू है, लॉन्ग वैल्यू है, डबल है, ये आपके ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। और अगर आपको समझना है तो यहाँ पर आप इस तरह से इंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब देखिए, VAR मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी हो सकता है, मतलब जो चेंज हो सकता है, इसलिए इसका नाम होता है वेरिएबल। और इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जब आप VAR यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। मैं A की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर 75 इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। देखिए, कोई एरर भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इसी की जगह मैंने VAL यूज़ किया होता, यहाँ पर VAL इज इक्वल टू 64 मैंने इसको वैल्यू दी, तो A की वैल्यू को मैं दोबारा फिर चेंज नहीं कर पाता। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 75, तो यहाँ मुझे ये देखिए एक एरर दिखा था, VAL कैन नॉट बी रीअसाइंड, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, VAL कैन नॉट बी असाइंड, तो VAL की वैल्यू को दोबारा असाइन नहीं किया जा सकता। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको किसी वैल्यू का दोबारा दोबारा असाइन नहीं करवाना है तो VAL यूज़ कर लीजिए। अगर आप उसे बार बार असाइन करवाना चाहते हैं तो VAR यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे VAL यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया आपका 64 हम कहते हैं वेरिएबल्स के लिए। इसी तरह से आप क्या कहते हैं, और देखिए एक और चीज़ में VAL अगर मैं इस तरह से लिखूँ C=3, D=4, इस तरह से आप इसे एक लाइन में दो वेरिएबल्स को असाइन नहीं कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें एरर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एरर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा आपका, ये आपका एरर आ जाता है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए, हमने वेरिएबल्स की बात कर ली है, वेरिएबल्स को प्रिंट भी करा लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए उसी तरह से आप लिखेंगे प्रिंट ln डबल कोटेशन और फिर आप लगाएंगे डॉलर का साइन और यहाँ पर लिखेंगे ए, जो भी जिस भी वेरिएबल को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप ए को प्रिंट करवा सकते हैं। इसे कर लेंगे सेव और इसे कर लेते हैं एक बार रन और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा आउटपुट आने में। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ गया 64 आउटपुट। अगर इसी तरीके से आपको फ्लोट वैल्यू को असाइन करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे 2.3 करना है तो उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा स्मॉल एफ या कैपिटल एफ। ये आपको बताता है कि आप इसे फ्लोट वैल्यू फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ, इसे कर लेंगे यहाँ पर सेव और इसे कर लेते हैं यहाँ पर से रन। तो यहाँ पर आप वैल्यू क्या आएगी 2.3 हमारी वैल्यू आ जाएगी आउटपुट में।
तो देखिए 2.3 हमारी वैल्यू आउटपुट में आ गई। अब इसी तरीके से देखिए आप डबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2. या फिर से वैल्यू चेंज करें 0.3, इस तरह से मैंने लिखा। अब ई लगाते हैं यहाँ पर, ई का मतलब होता है इनटू 10 की पावर 5, ये इसका मतलब है कि मैंने इसे लिख रखा है 10 to the power 5, इसका मतलब 5 जीरो इसमें लग जाएंगे। इसे शॉर्ट में इसे कैसे लिख सकते हैं, E5। और ये हमारा आउटपुट देखिए क्या आएगा इसका, सेव कर लेते हैं इसे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1230000.0, इस तरीके से आपका एक आउटपुट जनरेट होके आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर एक और वेरिएबल दें ए, मैं इसको देता हूँ बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने इसे दिया 123456, कोई वैल्यू दे दीजिए। एक और वेरिएबल सी दे लेते हैं यहाँ पर, इसको भी हम कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ 64। अब देखिए इन सबको हम एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं, फिर हम लगाएंगे डॉलर का साइन, यहाँ लिखेंगे पी, फिर से डॉलर का साइन और यहाँ पर लिखेंगे सी, तो ये तीनों हमारे प्रिंट हो जाएंगे। सेव कर लेंगे इसे और इसे रन कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए वेरिएबल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे रेंज की। देखिए रेंज में क्या होता है वो भी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर हम कॉल करते हैं रेंजेस का। ये भी हमने फंक्शन नहीं बनाया, इस फंक्शन को अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए एक फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर लिखेंगे रेंजेस इस तरीके से। और देखिए अगर आपको फंक्शन शॉर्ट में बनाना है तो आप इसके अंदर क्लिक करके ऑल्ट एंटर दबा सकते हैं, अगर आपका आ गया तो, इस केस में हमारा नहीं हो रहा है छोड़ देते हैं अभी। अब यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, यहाँ पर लिखते हैं रेंजेस इस तरीके से और यहाँ पर लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं वेल ए की वैल्यू और इसमें आप क्या कहते हैं टाइप डिफाइन भी कर सकते हैं, नहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसका टाइप किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, यहाँ लिखते हैं इंट रेंज, जब भी हम रेंज को यूज़ करते हैं तो यहाँ लिखते हैं इंट रेंज यहाँ पर, यह आपका ऑप्शनल है, इसे हटा भी सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए असाइन करेंगे एक रेंज, तो 1 से लेकर लगाएंगे डॉट डॉट 100 तक की वैल्यू, 200 तक की वैल्यू, 10 तक की वैल्यू, 200 तक की वैल्यू, जो भी आप चाहें वो आप लगा सकते हैं। देखिए ये आपका क्लोज ग्रुप होता है, क्लोज ग्रुप मतलब ये है कि इसकी वैल्यू स्टार्टिंग होगी 1 से, 1 भी इंक्लूड होगा इसमें, और जाते जाते आपकी कहाँ तक वैल्यू चली जाएगी आपकी 10 तक, 10 भी इंक्लूड होगा इसमें। आप देखिए इसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम फॉर का लूप ले लेते हैं, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक्स और इन ए, ये फॉर का लूप हम आपको बाद में समझाएंगे कि एक्चुअली हमने फॉर का लूप लिया क्यों है, ताकि हम सारी वैल्यू को एक बार प्रिंट करवा चुके हैं और ये कैसे काम करता है ये भी हम आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे जब हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट एलन और यहाँ वैल्यू पास कर देंगे एक्स की, इसे कर लेते हैं सेव और इसे कर देंगे रन। कमॉन कमॉन, तो देखिए इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 से लेकर अप टू 10 तक हमारा एक आउटपुट जनरेट होकर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना